गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आया कोरियर, कैलगरी अंदर है। उन्होंने कहा था कि थोड़ा बिजी है, एडिटिंग कर रहे हैं, तो मैं आ गया कोरियर रिसीव करने के लिए। पे भी मैं ही करूँगा फ़ोन से। तो अभी वेट कर रहा हूँ बाहर, देखते हैं कब भाई। ये गाइस मिल गया है, अभी पेमेंट करनी है। तो बाय 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 गाइस, मिल गया ये कोरियर। ये एक ऑक्टोपस है, मूड ऑक्टोपस। और ये ऐसे मूड वाली चीज़ें तो सिर्फ बानी मंगा सकती है और कोई नहीं। गेट खोलने में थोड़ी दिक्कत रही, गेट नहीं खोल पाया, तो मैंने कहा ऊपर से खोल लो। तो पेमेंट की बारी आई, तो डाटा ही नहीं ऑन किया इन्होंने, डाटा ऑन करके दे देते। वाह, रॉस्को की तरह डोर में चिपकते आ गई है। डोर खोलो। और ये कैलगरी और बानी, तुम खुश हो क्या? क्या कहना चाहोगे पहले? ठीक है रॉस्को, तुम क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? रॉस्को कुछ बोल ही नहीं रहा। रॉस्को को, रॉस्को रॉस्को। तो गाइस रॉस्को कहना चाहते हैं कि इसने परफ्यूम डाली है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। स्मेल नहीं, खुशबू। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और रॉस्को नहा के आया है और रॉस्को डांस करना चाहता है, जैसे आप देख सकते हैं। रॉस्को हमारे नई गन से बहुत ज्यादा डरता है ना? ओए, ओए नन्हे, अरे भैया भैया छोड़ दो मुझको। और यहाँ पे बानी खेलती हुई अपने इस, ये है मूड ऑक्टोपस। अगर ये खुश है इसका मतलब बानी भी खुश है। अगर ये ऐसे रहेगा समझो, तो इसका मतलब बानी सैड है या गुस्से में है। तो बानी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, यही काम करेगा। तो ये है मूड ऑक्टोपस। इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ बानी ऐसे चीज़ें मंगा सकती है, सिर्फ बानी। ये लो मिल्क शेक ले लो। ये देखिए मम्मी क्या करती है। मम्मी को देखो, मम्मी को गाइस। मैच होएगा बैडमिंटन, और निशान लगाएंगे, देखते हैं किसके निशान लगते हैं पहले। और यहाँ पे एक न्यू गेम का नाम है स्टिकी टारगेट। और यहाँ पे दो गन्स निकालते हुए करण, करण ने चॉइस किया ये वाली गन। लाइए फिर, चलो भाई। ओ मिस, पहला निशाना मिस हो चुका है। दूसरा फुस फुस हो गया। और तीसरा ओ 20 भी लगा, 20 भी। अब मेरी बारी। पहला निशाना किधर लगा? अरे कॉक, कॉक। अरे वो रहा, अरे उधर ही। करण के काम देखिए, यहाँ पे कॉक, यहाँ भी है। 80 जीत गए। अरे एक बॉल लगी, एक बार ऑल है। थोड़ा दूर से खेलो ना तुम तो। 60 प्लस 60 हो गया 140। यहाँ पे जीत चुके हैं, यहाँ पे जीत चुके हैं। और यहाँ पे पहला राउंड जीत चुके हैं कैलगरी बॉस, और करण हार चुके हैं पहला राउंड। अब देखना होगा सेकंड राउंड में कौन जीतता है। और यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। ओ मिस, ये तो करण की पुरानी याद था, पहला मिस ही याद है। चल भाई सेकंड है। ओ खराब हो गई। ओ मिस, लास्ट बची। फूलों को निशान लगाते हुए करण, फूलों को लगते लगते 20 पे अटक गई। देखना ये होगा कि कैलगरी बॉस यहाँ पे कितने लगाते हैं स्कोर। और भी आ चुके हैं यहाँ बाहर, देखिए दर्शक।
10 पे। ओए मिस लास्ट, एक लास्ट और गया। और यहाँ पे सेकंड राउंड भी जीत चुके हैं कैलगरी वॉर्स और करण हार चुके हैं। 10:30-40 और अब लेके आते हैं गन, गन से लगाते हैं निशाने। Do you know what time it is? ये मैं तुम स्लो मोशन करेंगे। वाओ इधर गया, 80 पे नहीं 80 पे। वाओ इससे हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। ओए मिस, डायरेक्ट मिस। ये तो लगा 60 पे शायद। हाँ? 60 पे था ना, बॉल पे डालो, बॉल पे 80। बॉल तो लग गया, नहीं बॉल तो लग गया, बॉल अच्छा। रेंज देखते हैं इसकी, रेंज ऊपर मारो, रेंज ओ भाई किधर गई वो रही, पता ही नहीं चल रहा। एमो खत्म, देखो एक बार चेक तो करो, चेक और देखिए मैगजीन कितनी बढ़िया है। मैगजीन खत्म, वाओ मैगजीन हुई खत्म, यहाँ पे समाप्ति होगी मैगजीन की। और ये बुलेट्स हैं उधर, एक उधर है, और ये देखिए करण के काम यहाँ पे बॉल, ये देखिए एक, ओ माय गॉड, दो तीन, ये देखिए, और ये वेरी गुड। अब यहाँ पे करेंगे करण शूट, ये मैं, और पूरा देखिए एम बोर्ड लगाते हैं निशाना, देखना ये होगा किस पे लगती जाके। ओ 100 वेरी गुड, ओई बॉल, ये मैन दो बार बॉल पे लगी हमारे लेजेंड करण, वाओ ये मैन। कभी भी ऐसे करना पड़ता करण, अगर बात की जाए ऑल ओवर करण के निशाने बिल्कुल बेस्ट हैं और बिल्कुल अपने अपनी जगह पे लगे हैं, और करण के दो निशाने लगे हैं बॉल पे और एक निशाना 100 पे लगा है। कितना जो शूटिंग में करण जी चुके हैं फर्स्ट प्राइज, और यहाँ पे करण फर्स्ट आ चुके हैं शूटिंग वाले गेम में, और जो दूसरी गेम थी उसमें आए हैं कैलगरी बॉस फर्स्ट। इसी के साथ लेवल हो गया बराबर, और अब खेलेंगे लास्ट गेम जो कि है बैडमिंटन, देखना ये होगा उसमें कौन जीतेगा। और ये ऐसी बुलेट है कि ये नष्ट नहीं होती, फिर से इसको रीयूज कर सकते हैं। तो करण अभी एमोस इकट्ठी कर रहा है तीन, और यहाँ पे करण चेक करते हुए एमोस फिर से रिलोड करके मारेंगे निशाने। और ये देखिए आड़ू का पेड़ आ गया बीच में। चार, दो गेम खेलने अभी, स्टिकी टारगेट मैच जीत गया। और करण टारगेट का जो गन है ना परफेक्टली नहीं चलता, और करण यहाँ पे कह रहे हैं स्टिकी टारगेट का जो गन है परफेक्ट नहीं चलता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये गन है फिर भी ठीक है, अच्छी खासी है, इसमें टारगेट अच्छे लगते हैं। या मैन, और अब खेलना होगा बैडमिंटन, देखना ये होगा कि उसमें कौन जीतता है। इसमें तो लेवल 1-1 हो गया, और लास्ट फाइनल मैच बैडमिंटन, तो लेट्स प्ले। और यहाँ पे करण बैडमिंटन, समस्या ये थी कि रोस्को की होगी तबीयत खराब, रोस्को को क्या हुआ फर्स्ट टाइम, रोस्को को उल्टी आई और उल्टी करने की जगह मिली मेरे मम्मी के पैर में, उल्टी उसने की, फिर बाद में ऐसे करने लग गया जैसे सांस नहीं आती ऐसे हम करते वैसे, या जैसे थोड़ा बलगम रहती है अंदर गले में वैसे हम करते हैं, खराटे टाइप वैसे कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ ऐसे 15-20 मिनट तक करता रहा। थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी है, थोड़ी सी हमने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, कैसे हुआ मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में क्या हुआ इसके साथ, मैं नहीं जा सही में मैं डर गया, क्या है इसके साथ। करण का कहना कि ये मतलब है कि जब ये चैनल ग्रो कर जाएगा ना तब आप कमेंट करना। नहीं यार अभी तो कोई कमेंट नहीं करता ना,
अभी हम गरीब व्लॉगर हैं। नहीं अभी कोई होगा, कोई करेगा। ये मैं और यहाँ पे रोस्को के थोड़े दुख सांझे करते हुए करण तो और वीडियो भी कुछ देर के बाद हम डाल देंगे, आप वो वीडियो देखना रोस्को क्या बिहेवियर कर रहा था। तो ठीक है बैडमिंटन खेलते हैं, लेट्स प्ले गो। चल मेरी बारी फर्स्ट। और उसका रिव्यू सिक्की टारगेट का, खरीदना मत, बिल्कुल मत खरीदना। बहुत बेकार है, उससे अच्छा आप नर्फ गन लेके कुछ और टारगेट बना लो, थोड़ा और पैसे खर्च कर लो उसमें। यह है मुक्का मार दीजिए। बाय बाय।